स्वागत है। छठ के बारे में जानकारी संगीत से मिला, पचरा क्या है ये जानकारी संगीत से, मैं सब कुछ पूर्वी खासकर सोनपुर की अगर छपरा की बात मैं करूं तो वो सब गायन सब जगहों के नाम संगीत के जरिए ही मुझे मिला और आज इस मंच पे आने का मुझे अवसर दिया गया। जिला प्रशासन को खास धन्यवाद। आशुतोष जी है सामने, आप सब सभी के मार्फत मैं आज इस मंच पे खड़ी हूँ। सोनपुर मेला हमने कभी नहीं देखा, मुझे बहुत अफसोस है। मैं चाहती थी, मेरे दो बेटे हैं, उनका एग्ज़ाम चल रहा है, मैं चाहती थी एक दिन पहले आऊँ और बच्चों को मैं दिखाऊँ, खुद भी नहीं देखी। और मैंने सुना है कि एशियाज लार्जेस्ट फेस्टिवल, कैटल फेस्टिवल, एंड कितने सालों से एक ऐतिहासिक ये एक मेला है और साथ में गज और ग्राह के बारे में जो उपाख्यान है, हम लोग उपाख्यान बोलते हैं आसाम में, प्रजावली भाषा में बहुत कुछ गाई हूँ गज और ग्राह के ऊपर, लेकिन वो धरती वो साक्षात यहाँ करने को मिला वो मुझे पता नहीं था। मैंने सुना है कार्तिक महीने में स्नान का बहुत बड़ा महत्व होता है और यहाँ गंडक और गंगा जी की संगम स्थल है और स्नान का बहुत खास महत्व है। तो मैं अगला जो गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ वो भिखारी ठाकुर जी, जो भोजपुरी के शेक्सपियर नाम से जाने जाते हैं, उन्हीं का एक रचना गंगा स्नान,
मैं गाने जा रही हूँ।